वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एडोब ड्रीम वीवर CS3 में हाइपरलिंक, ईमेल लिंक और इसके साथ ही यहाँ पर नेम्ड एंकर, इन तीनों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हाइपरलिंक के बारे में डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हाइपरलिंक के आइकन पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइपरलिंक के विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे। जब हमारा वेब पेज ओपन होगा तो हम किस टेक्स्ट पर लिंक को क्रिएट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को हम यहाँ पर मैंशन करेंगे। तो सपोज़ हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम। वेलकम टेक्स्ट को हमने मेंशन कर दिया, यानी जब हम ये वेलकम के टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट पर, तो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे जो लिंक है जिसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो ओपन हो जाएगा वो पेज। अब यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिंक को मेंशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो ये येलो कलर का ब्राउज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आइकन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल की जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम जिस भी फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी क्रिएट की हुई है उसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे फाइल नेम है एच लिंक, हम इसे करते हैं ओके। और यहाँ पे ये जो लिंक हमारी मेंशन है वही फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। टारगेट का मतलब होता है कि हमारा जो वेब पेज है वो कहाँ पर ओपन होगा। तो टारगेट हमारे पास ब्लैंक है, यानी वो ब्लैंक पेज पर ओपन होगा। पैरेंट का मतलब है पैरेंट पेज पर, और हम यहाँ पर चूज़ करेंगे ब्लैंक को। सेल्फ और टॉप और यहाँ पर ऑप्शन है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें नीड है कि सेल्फ पे, यानी खुद के जो पेज ओपन हो रहा है उस पे ही वो ओपन करे, और नहीं तो टॉप पर भी ओपन कर सकते हैं। अब हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डिज़ाइन व्यू पर वेलकम का जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है और ये सिलेक्टेड है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी बार है, अभी ये जो वेलकम का टेक्स्ट है ये सिलेक्टेड है, तो जो प्रॉपर्टी बार है यहाँ पे लिंक और जो टारगेट हमने मेंशन किया था वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो दोनों शो नहीं होंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे जो वेलकम है इसका हाइपरलिंक ब्लू कलर में शो हो रहा है। इसे व्यू करने के लिए हम कीबोर्ड से F12 की है जो शॉर्टकट की, उसे प्रेस करेंगे, या फिर हमने यहाँ पे जो अभी चेंजेस किए हैं उसे हमने सेव नहीं किया है तो पहले उसे सेव करने के लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+S जो शॉर्टकट की है उसे भी प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हम Untitled 1 और यहाँ पे सेव करेंगे, और हमारी फाइल को हमने ओवरराइट कर दिया। अगर पहले कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो फिर Untitled 1 जो अभी हमने क्रिएट की है वो उससे ओवरराइट कर देगी। इसके बाद यहाँ पर हम F12 की को प्रेस करेंगे, जिसके बाद हमारा जो ब्राउज़र विंडो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिंक है वेलकम, इस पर क्लिक करेंगे और जो लिंक हमने मेंशन किया था वो पेज हमारा यहाँ पर ओपन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टॉप पर ये लिंक हमने मेंशन किया था। अब हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है ईमेल लिंक। हम इस पर क्लिक करेंगे और ईमेल लिंक की जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन है, टेक्स्ट और ईमेल। एट प्रेजेंट हम यहाँ पे टेक्स्ट जो है जैसे हमने हाइपर लिंक में मेंशन किया था उसी तरह ईमेल के लिए भी हम टेक्स्ट मेंशन करेंगे। सपोज़ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं बाय, ये हमारा टेक्स्ट है जिस पर क्लिक करने से हम किसी भी ईमेल के साथ लिंक हो जाएंगे। लिंक यहाँ पे बेसिकली ईमेल का लिंक हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसे क्रिएट करते हैं ताकि हम किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करना हो या रिसीव करना है वो हम ईमेल के थ्रू सेंड या रिसीव कर सकें। यहाँ पे हमने जैसे कि जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उस पर ये जो लिंक है वो क्रिएट होगा, और ये जो ईमेल आईडी है ईमेल, यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस मेंशन करते हैं, और जहाँ पे जो भी ईमेल का एड्रेस मेंशन करेंगे वो लिंक उसके साथ क्रिएट हो जाएगा। एट प्रेजेंट यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए लिखा है www.google.co.in। सपोज़ ये अगर किसी पर्सन का ईमेल आईडी है तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी को यहाँ पे मेंशन करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो शो हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, लिंक में मेल टू, यानी हम जिस भी पर्सन या कंपनी को मेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका कम्प्लीट एड्रेस होगा जो हमने मेंशन किया वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसे सेव करके और फिर F12 की प्रेस करेंगे, नहीं तो ये हमें इस तरह से एरर मैसेज शो करेगा। ये वार्निंग मैसेज है, सेव द चेंजेस टू Untitled 1, हम येस कर देंगे और जो हमारा वेब पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम बाय पे क्लिक करेंगे तो जो ईमेल है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन शो होगा और हम इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑप्शन पे क्लिक करने पर हो, बिकॉज आपके में वो फैसिलिटी होनी ज़रूरी है। अगर फैसिलिटी नहीं है तो फिर हम उसके साथ में ईमेल को क्रिएट नहीं कर सकते। ईमेल पे एड्रेस जो मेंशन करना है वो यहाँ पे मेंशन करके हम उसके साथ वर्क कर सकते हैं अगर आपके में ये फैसिलिटी एनेबल्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेम्ड एंकर। नेम्ड एंकर का बेसिक यूज़ ये होता है कि जब हम कोई भी लिंक को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इंटरनल लिंक को इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। नेम्ड एंकर के आइकन पर क्लिक करके नेम्ड एंकर की जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जो एंकर नेम है हम यहाँ पे सपोज H1 मेंशन करेंगे। हमें एंकर नेम मेंशन करते समय ध्यान रखना है कि हम किसी भी नंबर से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे या फिर कोई भी
स्पेशल कैरेक्टर या फिर हम यहाँ पे स्पेस को मेंशन नहीं करेंगे। अगर स्पेस को मेंशन किया है तो वो हमें वार्निंग देगा और हमारा जो एंकर का नेम है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज़ हम यहाँ पे वन और एच के बीच में स्पेस दे देते हैं और ओके करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से मैसेज शो होगा कि यहाँ पे हम किसी भी नंबर के साथ में या एस्कर कैरेक्टर के साथ में बिगिन नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे जो स्पेस था वो चला गया है यहाँ से, अब ओके करेंगे तो ये जो यहाँ पे एंकर, यहाँ पे जो नेम्ड एंकर है इसका यहाँ पे आइकन शो हो रहा है। एट प्रेजेंट ये ब्लू में है तो ये सिलेक्टेड है, और जो प्रॉपर्टीज़ बार है यहाँ पे नेम H1 हमें शो हो रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ बार है उसमें इसके रिगार्डिंग शो नहीं होगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसका नेम जो है वो शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सपोज़ कोई टेक्स्ट लिखते हैं सब्जेक्ट्स, इस तरह हमारे पास हो सकता है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हों। सपोज़ हमारे यहाँ पे टॉपिक है सब्जेक्ट्स और इसके रिगार्डिंग हमें ऊपर जो टॉप पर है इस पर हाइपरलिंक क्रिएट करना है, यहाँ पे लिंक क्रिएट करना है नेम्ड एंकर के साथ। तो इंटरनल लिंक क्रिएट करने के लिए ये जो टेक्स्ट है इस पर हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे कोड को मेंशन करना ज़रूरी है, और जो इसके रिगार्डिंग जो भी टेक्स्ट है वो हमारे पेज पे कहीं पे भी हो सकता है। अगर हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं तो ज़रूरी नहीं है वो यहाँ पे ही मेंशन हो। सपोज़ हमारा ये पोर्शन जो है ये कहीं नीचे जा कर के एट द एंड ऑफ द पेज, अगर हमारा सपोज़ ये सब्जेक्ट है टॉपिक जो है हमारा, और इसमें हमारा फर्दर कुछ टॉपिक है जैसे कि मैथ्स साइंस, इस तरह इसमें जो भी टॉपिक है वो मेंशन होगा। तो हम अगर इसे इंटरनल हाइपरलिंक की हेल्प से, क्या होगा जब हम इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो वो हमारा टॉपिक कहीं पे भी होगा पेज पर तो वो हमें वहाँ पर रेफ़र कर देगा, तो हम उसे डायरेक्टली वहाँ से व्यू कर सकेंगे। इसके लिए हम सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके लिंक पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ बार में हैश टैप करके H1 जो उसका नेम है हमने अभी अभी जिसको मेंशन किया था वो यहाँ पे मेंशन करके एंटर की को प्रेस कर देंगे। और अब हम करेंगे F12, हम यहाँ पे सेव द चेंजेस येस करेंगे, वेब पेज की जो विंडो है वो हमारी ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, एक बार हम क्लोज ऑल टैब्स कर देते हैं और दोबारा से F12 प्रेस करते हैं तो जो हमारी विंडो है ये ओपन हो गई है। और ओपन होने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट लिखा था वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे दोबारा से सब्जेक्ट्स लिखते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम टाइप करेंगे और हम इस तरह से उसे सिलेक्ट करके जो कोड है हम उस कोड को यहाँ पे लिंक में टाइप करेंगे हैश और H1। अब एंटर की को प्रेस करेंगे, अब हम देख सकते हैं ये लिंक शो हो रही है। अब हम कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे, सेव द चेंजेस येस। अब ये जो लिंक हमारी शो हो रही है, सपोज़ हम यहाँ पे इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं जो इसका बटन है उसकी हेल्प से। अब हम सब्जेक्ट्स पर जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली वो हमें इस लिंक पर ले जाएगा जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम्ड एंकर को इसके आगे यहाँ पर इस टॉपिक पर क्रिएट किया था। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पे हाइपर लिंक को, ईमेल लिंक और नेम्ड एंकर को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।